बड़ी खबर भोपाल से है, जहां मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर विरोध हुआ है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव, तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और नर्स। काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स और नर्स करेंगे विरोध, तो प्रशासक की नियुक्ति का डॉक्टर्स ने पहले भी किया था विरोध। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों का कर रहे हैं विरोध। आपको बता दें कि प्रशासक के आने से मेडिकल सुविधाओं का नहीं होगा विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां डॉक्टर्स और नर्स आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर से विरोध हो रहा है। तो 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स और नर्स रहेंगे, तो काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स और नर्स इसका विरोध करेंगे। प्रशासक की नियुक्ति का डॉक्टर्स पहले भी विरोध कर चुके हैं, तो प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रशासक के आने से मेडिकल सुविधाओं का नहीं होगा विस्तार, ऐसा कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स और नर्स विरोध करेंगे, तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और नर्स। तो मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर से विरोध कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का डॉक्टर और नर्स विरोध कर रहे हैं। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, तो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और नर्स। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर से विरोध किया जा रहा है। तो 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और नर्स, तो काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स और नर्स विरोध करेंगे। ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर क्यों मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का डॉक्टर्स और नर्स विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेडिकल कॉलेजों में जो प्रशासक की नियुक्ति का जो मामला है, एक बार फिर सुर्खियों में है। इसका विरोध भी शुरू हो चुका है और गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के लगभग 500 डॉक्टर्स स्टूडेंटों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध एक बार फिर दर्ज करवाया है। 13 मेडिकल कॉलेजों ने भी इसका विरोध है दर्ज करवाया है और लगातार उन डॉक्टर्स और नर्सों का जो विरोध है फिलहाल अभी भी जारी है। और इसके अलावा उनका मानना है कि जो प्रशासक की जो नियुक्ति हुई है और प्रशासक के आने से जो मेडिकल की जो सुविधा है उनका विस्तार नहीं होगा, तो इसीलिए जो डॉक्टर्स और जो नर्स हैं वो इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। हालांकि कैबिनेट में कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी पेश होने वाला है, लेकिन देखना ये होगा कि उसकी मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल के जो स्टाफ और नर्स हैं उनको ये बात की पता चली कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है, इसका प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध और भी तीव्र कर दिया है। मनीष, अगर बात करें तो क्या कुछ इस दौरान जो डॉक्टर्स और नर्स उनकी मांगे रहेंगी, इसके अलावा कितने मेडिकल कॉलेजों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? ये लगातार 13 मेडिकल कॉलेज है इसका विरोध कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारे हमीदिया हॉस्पिटल है उसके भी लगभग 500 डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा गांधी मेडिकल कॉलेज है और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सारा का सारा पूरा स्टाफ एकत्रित हो चुका है और सभी की एक ही स्वर में मांग है कि जो प्रशासक की नियुक्ति की गई है उसको हटाया जाए, क्योंकि उनके आने से जो मेडिकल की सुविधा है उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, सिर्फ और उनकी एक ही मांग है। जी मनीष, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर से विरोध किया जा रहा है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स और नर्स, तो काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स और नर्स विरोध करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से।